OnePlus 9RT। हाँ गाइज, आप लोग यहाँ पे जानते हैं कि OnePlus की तरफ से OnePlus का 9RT आने वाला है, और इस वक्त हम बात करने वाले इसी स्मार्टफोन के बारे में। तो पूरा वीडियो देखिएगा, जल्दी वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आपने नहीं किया है। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्लीज़, यहाँ पे जो OnePlus का 9RT होने वाला है ना, बहुत ज़्यादा बढ़िया स्मार्टफोन होने वाला है, और यहाँ पे हमें बहुत कुछ भी देखने मिलने वाला है। मुझे पता है हम लोग बहुत दिनों से इस फोन के ऊपर बात भी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो जो वेट कर रहे होंगे वो मेरा वीडियो जरूर से देखते होंगे, और मतलब ज़्यादातर लोग देखते हैं, बहुत सारे लोग देखते होंगे जितने हमें व्यूज़ आते हैं उस हिसाब से। तो हाँ, चलिए बात करते हैं फोन के बारे में। सबसे पहले स्पेसिफिकेशन में आता हूँ, देन बाद में बात करेंगे प्राइस एंड लॉन्च डेट के बारे में। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ इस फोन के बिल्ड डिज़ाइन में। तो दिखने में फोन एकदम 9R जैसा थोड़ा सा दिख रहा है, लगने में तो अच्छा लगता है, इसमें देखते हैं आप डिज़ाइन तो अच्छा लग रहा है, इतना बुरा भी नहीं है और ना इतना अच्छा है। तो कह सकते हैं, मैं कहूँगा कि मीडियम टाइप का डिज़ाइन, मतलब ना बुरा ना अच्छा, तो अच्छा खासा डिज़ाइन आपको देखने मिल जाता है। डिस्प्ले में आपको 6.67 इंच का फुल HD प्लस मिल जाता है, फ्रंट एमोलेड पैनल मिल जाता है, साइड बंचो मिल जाती है, 120 रिफ्रेशिंग रेट डिस्प्ले मिल जाता है। तो ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने मिलने वाली है, तो मेरे हिसाब से बढ़िया क्वालिटी आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगी, और यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने मिल जाएगा। तो डिस्प्ले में आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ फोन में नहीं मिलने वाली है। चिपसेट में आ जाता हूँ मैं, यहाँ पे आप लोग बता दूँ, स्नैपड्रैगन 888 5G आपको चिपसेट मिल जाता है, जो एक बहुत बड़ा अपग्रेड किया 9R से 9RT में। तो बात किया है कि यहाँ पे आपको Snapdragon 888 5G वाला चिपसेट दे दिया गया है, क्योंकि पिछले बार जो है वो आप लोगों को यहाँ पर Snapdragon 870 दिया गया था, जो मेरे हिसाब से अब तो बहुत सस्ते में मिलने लगा है, बट ये वाला जो चिपसेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस कर देता है, एंड आपकी जो मल्टीटास्किंग है, या तो आप कह सकते हैं हैवी टास्किंग है, या तो गेमिंग है, वो आराम से आपकी हो जाती है। बात कर लेता हूँ यहाँ पे कैमराज में, तो यहाँ पे आपको जो मेन कैमरा मिलता है 50 मेगापिक्सल का मिलता है, जो सोनी का सेंसर है, जिसमें वो आई सपोर्ट मिल जाता है, 4K रिकॉर्ड कर लेते हो, अल्ट्रा वाइड मिल जाता है, डेप्थ सेंसर भी मिल जाता है। तो रियर में कैमरा बहुत ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी आपको देखने मिल जाता है। सेल्फी में साइड बंचोल के साथ आपको जो है 16 पिक्सल की सेल्फी देखने मिल जाती है, जो आप लोगों को अभी इसका सपोर्ट, मुझे पता नहीं कि इसमें आपको वाई इसका सपोर्ट मिलता है कि 4K नहीं मिलता है या नहीं मिलता है, तो उसका भी हमें यहाँ पे कंफर्म नहीं पता चला है। बैटरी में बात कर लेता हूँ, तो 4500 mAh की आपको बैटरी मिल जाती है, टाइप सी मिल जाता है, 65W की फास्ट चार्जिंग मिल जाती है, जो मेरे सबसे पर्सनली बहुत ज़्यादा बढ़िया बात बन जाती है, क्योंकि ऑलमोस्ट 30-40 मिनट्स में आपको फोन फुल चार्ज हो जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा बढ़िया बात है। मुझे तो लगता है आजकल के ब्रांड को 50W से कम देना ही नहीं चाहिए। आप लोग बताओ कमेंट करके कि आप लोगों को क्या लगता है, क्योंकि यार अब तो लाइक इतना ज़माना आ गया, आगे फ्यूचर बहुत, मतलब आप कह सकते हैं टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, तो मेरे हिसाब से 50W से कम तो मुझे लगता है देना ही नहीं चाहिए। UI में आपको एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, यानी आपको ऑक्सीजन OS के तरह रन करता है, जो बहुत ज़्यादा बढ़िया OS देखने मिल जाता है आप लोगों को। चाइना में तो कलर OS के साथ गया, बट इंडिया में आपको ये होपफुली क्या कन्फर्म है कि ऑक्सीजन OS के साथ ही आएगा, टेंशन मत लेना। तो ये है गाइस पूरा यहाँ पे OnePlus 9RT, मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा बढ़िया स्मार्टफोन है, डेफिनेटली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगा। अब मैं फाइनली बात कर लेता हूँ गाइस इन दो मेन चीज़ के बारे में, वो है प्राइस एंड नॉन जेट के बारे में। इस फोन का जो प्राइस निकल गया है, मतलब जो आने वाला है, वो निकल गया है 41,999 रुपीज़, मतलब 42,000 रुपीज़। अब ये मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, मतलब यार अगर 35-37 आता तो मैं समझ सकता था कि ठीक है, बट यार 38 तक भी चल जाता, बट मेरे हिसाब से 42 बहुत ज़्यादा हो जाता है, और ओवर प्राइस भी हो जाता है। तो आप लोग मैं बताऊँ कि आप लोग क्या लगते हैं, कमेंट करके मुझे बता सकते हैं आप लोग। मेरे हिसाब से अगर ये फोन 35-37 जैसे मैं बोला अच्छा होता है, 8GB, वो 8GB 128 की बात कर रहा हूँ, 8GB 256 की बात नहीं कर रहा हूँ कि 42 में चल जाएगा, मेरे हिसाब से ओवर प्राइस तो ये फ़ोन है। फाइनली मैं बात लूँ कि बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन चल रहे होगा कि iQOO 7 Legend ले कि ये वाला ले, तो मैं उनको यहीं पर एक छोटा सा जवाब दे गाइस, iQOO 7 मैं आपको रिकमेंड इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि iQOO 7 Legend जो है वो यहाँ पर अभी iQOO, जैसे कि आप लोग पता है, नया ब्रांड है, और iQOO 7 Legend का बहुत ज़्यादा मेरे कंप्लेंट भी आई है कि उसमें जो सॉफ्टवेयर है वो बढ़िया काम नहीं कर रहा है, अपलोडवेयर भी आपको बहुत सारे देखने मिल जाते हैं। दैट्स वाई मैं आपको रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ iQOO 7 Legend, और मेरे हिसाब से मैं मानता हूँ कि सेल में बहुत बड़ा अच्छा डिस्काउंट में मिल रहा है, बट मेरे हिसाब से अगर आप लोग थोड़ा ज़्यादा पैसा एक्स्ट्रा पे करके यहाँ पर OnePlus ले रहे हो तो ज़्यादा बेटर रहने वाला है, क्योंकि OnePlus में आपको ऑप्टिमाइजेशन, OS और OnePlus का जो आई थिंक ब्रांड है उसका बहुत ज़्यादा वैल्यू है, तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं बट हाँ अच्छी वैल्यू मिल जाती है आपको आफ्टर सेल में भी। तो मेरे हिसाब से इसलिए मैं कहूँगा कि OnePlus 9RT की तरफ आप लोग ज़्यादा रुझान करिएगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा बढ़िया लगता है ये। एंड फाइनली मैं बात कर लेता हूँ अब यहाँ पर इसके लॉन्च के बारे में, प्राइस तो मैं बता दिया, लॉन्च जो है इस फोन का मैं आपको बता दूँ, तो ये आपको नवंबर तो स्टार्ट हो ही गया जैसे कि आप लोग जानते हैं, तो कहा जा रहा है कि नवंबर के मिड में मिल सकता है, 20 या 15 के बीच में। तो अगर आप लोग देखते हो, अगर आप लोग इंतज़ार कर रहे हो ना, तो थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा अभी टाइम आपको लगाने वाला है मेरे हिसाब से, ठीक है, नवंबर के, अब नवंबर से ज़्यादा ना हो मैं चाहता हूँ बस। तो आप लोग को मैं बताऊँ कि आप लोग क्या रखते हैं, बट यार याद रखना 42,000 रुपीज़ आपको रखना होगा इस फोन के लिए, जब ये फ़ोन आप लोग ले पाओगे, वरना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है मेरे हिसाब से तो। बट हाँ, OnePlus के फॉलोअर हो, OnePlus के रॉयल कस्टमर हो, तो भाई फिर आपको बनता है लेना, आप लोग बताना कमेंट कर लेने वाले हो नहीं लेने वाले हो। वीडियो पसंद आया आप लोगों को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि हम आपके लिए कोशिश करते हैं ऐसे डेली वीडियोस लाने के लिए। एंड बेल आइकन को जरूर से दबा दीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही जब भी वीडियो लाएँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।